बच्चों आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक मतलब कि सप्लीमेंट्री जो बुक आपकी है वो, और जिसका नाम है भारत की खोज। और ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आज हम पढ़ेंगे इस पुस्तक का पहला पाठ जिसका नाम है अहमदनगर का किला। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को पढ़ना। सबसे पहले हम इस पुस्तक से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। भारत की खोज जो पुस्तक है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी और ये पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है। और यह पुस्तक 1944 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले से लिखना शुरू किया था और इस पुस्तक को लिखने में उन्हें 5 महीने का समय लगा था। इस पुस्तक में भारत की खोज जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के विभिन्न धर्म, जटिल अतीत, भारत का जो पास्ट है वो, इन सब चीजों का वर्णन विस्तार से किया है। तो आइए हम देखते हैं जो इसका पहला पाठ है और जिसका नाम है अहमदनगर का किला, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने किन अनुभवों के बारे में हमें बताया है। इस पाठ को फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ना काफी सरल भी होगा और ये आपको काफी समय तक याद भी रहेगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से बिंदुओं का मैंने यहाँ पे वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला पाठ जिसका नाम है अहमदनगर का किला। 13 अप्रैल 1944 से जवाहरलाल नेहरू ने इस किताब को लिखना शुरू किया था। अहमदनगर का जो किला है उससे नेहरू जी का क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि ये इनकी 9वीं जेल यात्रा थी। अहमदनगर के किले में उन्हें बंदी के रूप में रखा गया था और ये 9वीं इनकी जेल यात्रा थी। भारत की आजादी में इनका जो योगदान था उसकी वजह से उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में लाया गया तो वो शुक्ल पक्ष था। बच्चों हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 1 महीने को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पक्ष का मतलब होता है 15 दिनों का समय। तो यहाँ पर एक पक्ष होता है जब हमारा जो मून है, चांद है, वो घटता जाता है और घटते घटते अमावस्या आ जाती है, जिस दिन हमें आसमान में चांद दिखाई नहीं देता। अमावस्या के बाद फिर से हमें आसमान में चांद दिखाई देने लगता है। पहले तो काफी पतला सा चांद होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जाता है और पूर्णिमा आती है। 15 दिनों के बाद पूर्णिमा का चांद हम देख पाते हैं। चांद को पूरी तरह से गोल होने में और पूर्णिमा तक पहुंचने में जो समय लगता है उस 15 दिन के समय को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर जब इन्हें पहली बार इस अहमदनगर के किले में लाया गया था तो ये शुक्ल पक्ष का समय था, रात के समय इन्हें यहाँ लाया गया। यहाँ बंदी के रूप में रहते रहते इन्होंने 20 महीने से अधिक का समय यहाँ पे बिताया। और ये एक बात और कह रहे हैं कि बंदी जीवन का साथी। बंदी जीवन का साथी का मतलब होता है मित्र। तो यहाँ पर जब तक ये कैदी के रूप में यहाँ पर इन्होंने अपना समय बिताया था तब तक चांद उनका एक साथी के रूप में साथ देता रहा था। चांद के घटते और बढ़ते आकार को देखकर इन्हें इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता कि अगर अमावस्या की तरह जीवन में कभी अंधकार होता है तो पूर्णिमा की तरह कभी न कभी जीवन में चांदनी भी आएगी। मतलब आज अगर ये स्थिति है तो ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहेगी और स्थितियां बदलती रहेंगी। जब ये बंदी के रूप में यहाँ पर थे तो इस दौरान इन्होंने चांद को अपना सबसे अच्छा साथी या मित्र माना है। इसके बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं चांद को देखकर उन्हें यह प्रेरणा मिलती थी कि यह कठिन समय जरूर खत्म होगा। तो यहाँ पर चांद को देखकर ही ये प्रेरित होते थे, इंस्पायर होते थे कि चांद जिस तरह से घटता और बढ़ता है उसी तरह से जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। ये जो मुश्किल का समय है ये जरूर एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये है पेज 1 का एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं आगे पेज 2 में जो लिखा हुआ है वो मैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताऊंगी। इस चैप्टर में जो सबसे पहला हेडिंग आपको देखने को मिलेगा वो है अतीत का भार। बच्चों अतीत का मतलब होता है पास्ट, बीता हुआ समय, और भार का मतलब होता है बोझ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा महसूस करते थे कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें यह जानना है कि भारत जो एक समय अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व में प्रसिद्ध था,
भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो आज इस स्थिति में कैसे पहुंच गया। तो इन सारी बातों को वो जानने के लिए काफी उत्सुक थे और वो चाहते थे कि आज जो हो रहा है वो भी हमें अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। वो अपने आप को इस बात के लिए जिम्मेदार मानते थे कि ये जो चीजें हमें आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचानी है उसका कार्यभार हमें भी उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पर किले में जब वो बंदी के रूप में थे तो वहां वो क्या क्या किया करते थे, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देखिए, बागवानी, बागवानी का मतलब होता है गार्डनिंग। वहां पर बंदियों से बागवानी का काम करवाया जाता था, रोज कई घंटे तपती धूप में खराब मिट्टी। वहां पर रोज कई कई घंटे सभी बंदियों से, जितने भी कैदी थे वहां पे, उनसे रोज कई घंटे तपती धूप में गर्मी में उनसे बागवानी का काम करवाया जाता था। उन्होंने यह देखी थी कि वहां की मिट्टी बहुत ही खराब थी। अहमदनगर किले से जुड़ी ऐसी कोई भी मुख्य घटना नहीं है जो कि इतिहास से संबंधित हो, लेकिन एक घटना ऐसी है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें बताना चाहते हैं, जो कि अहमदनगर किले से जुड़ी हुई है। वह है चांद बीबी का जिक्र। चांद बीबी, आप लोगों ने इतिहास में ये नाम पहले भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर चांद बीबी किसी समय इस अहमदनगर किले पर राज किया करती थी और यहाँ पर यह बताया गया है कि चांद बीबी काफी साहसी महिला थी और अपने किले की रक्षा के लिए उन्होंने अकबर की शाही सेना से युद्ध किया। तो उनकी साहस की कहानी इतिहास में आज भी लिखी हुई है। और इन्होंने युद्ध किया था अकबर, जो कि उस वक्त के एक बहुत ही ताकतवर मुस्लिम राजा थे, इनसे उन्होंने युद्ध किया था। लेकिन बाद में चांद बीबी के साथ काम करने वाले एक आदमी ने ही चांद बीबी की हत्या कर दी थी। चांद बीबी के साथ उनके अपने ही किसी आदमी ने गद्दारी की और उनकी हत्या कर दी थी। तो ये जो घटना है वो अहमदनगर किले के साथ जुड़ी हुई है। इस घटना का जिक्र जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर जो अगली बात उन्होंने बताई है, बागवानी करते समय भी उन्हें काफी सारे अनुभव हुए जो उन्होंने इस पाठ में बताए हैं, वो है बागवानी के समय खुदाई में मिले प्राचीन अवशेष। प्राचीन अवशेष का मतलब होता है रिमेन्स। पुरानी जो इमारतें होती है, पुरानी चीजें जब सालों साल वो टूट कर नीचे गिर जाती हैं और मिट्टी में दब जाती हैं और खुदाई में जब उन्हें हम फिर से निकालते हैं जमीन से, तो उन्हें अवशेष कहा। तो यहाँ पर जब वो बागवानी किया करते थे तो वहां खुदाई के दौरान काफी सारे उन्होंने प्राचीन अवशेषों को भी देखा था। नीचे दबे दीवारों के हिस्से, पुरानी जो इमारतें होती थी उनके दीवारों के हिस्से नीचे खुदाई में निकलते थे। गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से, गुंबद होता है, पहले आप लोगों ने देखा होगा काफी सारी ऐसी पुरानी इमारतें मुस्लिम शासकों ने बनवाई थी जिसके की ऊपर की जो छत होती है वो गोल होती है, उसे गुंबद कहा जाता है। तो इस तरह के जो गुंबद थे वो हो सकता है युद्ध वगैरह में टूट कर नीचे गिरे हों और उनके हिस्से मिट्टी में दब गए हों और आज जब खुदाई की गई है तो वहां पर इस तरह के अवशेष मिलते थे। खुदाई रोकने का आदेश, जब इस तरह के अवशेष मिलने लगे खुदाई में तो वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने खुदाई रोकने का आदेश दे दिया, खुदाई करना वहां पे बंद करवा दिया गया। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे उनका समय बिताए नहीं बीत रहा था, उन्होंने अब कुदाल की जगह कलम उठा ली। जवाहरलाल नेहरू ने कुदाल की जगह कलम उठा ली। कुदाल का मतलब होता है स्पेड, मिट्टी खोदने का औजार। तो यहाँ पर उन्होंने अब हाथ में कलम रख ली, उन्होंने यह तय किया कि अब वो कुछ लिखना शुरू करेंगे। तो उन्होंने क्या लिखना तय किया ये हम आगे देखते हैं। वर्तमान का अनुभव, अभी जिस परिस्थिति में वो जी रहे थे उसका अनुभव करना उन्हें बाकी था। अभी जो ये समय था वो पूरा नहीं बीता था ताकि वो उसके बारे में कुछ लिख सकें। तो उन्हें ये सही नहीं लगा कि अभी तो बहुत सारी चीजों का अनुभव करना बचा हुआ है, बाकी है, तो अभी इतनी जल्दी इन सारी चीजों के बारे में लिखना ये काफी जल्दबाजी करना हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने जो वर्तमान जिस परिस्थिति में वो जी रहे थे उसके बारे में उन्होंने लिखने का मन नहीं बनाया। दूसरा था भविष्य से अनजान, भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अंत में उन्होंने यह तय किया कि आज के विचार और क्रियाकलाप ही वो लिखेंगे। मतलब कि सुबह से शाम तक की उनकी क्या दिनचर्या है, किस तरह के क्रियाकलाप वो दिन भर करते हैं, किनसे मिलते हैं, किनसे बातें करते हैं, ये सारी जानकारी वो अब लिखना शुरू करेंगे। उन्होंने जर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक गेट के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया है, इतिहास लेखन अतीत के बोझ से राहत दिलाता है। अब यहाँ पे उन्होंने यह कहा है कि इतिहास जो बीत चुका है उसके बारे में
हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस चीज को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाएं। तो अगर हम यह काम पूरी ईमानदारी से करें तो ये हमारे दिल को काफी राहत दिलाता है। तो इस तरह की बातें अहमदनगर किले के अंदर में हो रही थी और जो कि उन्होंने सब कुछ विस्तार से उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में आगे वो क्या कह रहे हैं। अब जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि हम भारतीयों पर एक तरह का दबाव है। दबाव मतलब होता है प्रेशर। तो ये किस दबाव की बात कर रहे हैं ये हम आगे जानेंगे। अब दबाव किस तरह का होता है ये इन्होंने बताया है कि दबाव अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है और दम घोटू। दम घोटू मतलब जब आप सफोकेट होने लगते हैं, जब आप सांस नहीं ले पाते हैं तो उसे कहा जाता है दम घोटू। कभी कभी परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि हमारा दम घुटने लगता है। इन तीन दबावों के बारे में बात करते हुए असल में वो भारत की संस्कृति, भारत के धर्म, भारत के रीति रिवाज, इनके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इन सब का बोझ जो हमें ये सारी चीजें विरासत में मिली हैं और इन्हें हमें आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना है, इस बात को सोचते हुए कभी कभी अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है और कभी कभी यह दम घोटने वाला प्रतीत होता है। और ये चीज सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है बल्कि चीन के साथ भी ये सारी बातें हो रही हैं। विरासत में हमें अपने पूर्वजों से क्या क्या चीजें मिली हैं वो ये यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले उत्तराधिकारी, हम अपने पूर्वजों के उत्तराधिकारी हैं। जो भी उन्होंने अनुभव किया है, जो भी उन्होंने कर्म किया है, अच्छा या बुरा, वो सारी चीजें हम तक आती हैं या हम तक पहुंच रही हैं। उसके बाद उल्लास, हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसा किया है जिससे उन्हें खुशी का एहसास होता है तो वो खुशी भी हम तक पहुंचती है। अगर उस वक्त उन्होंने किसी परिस्थिति को बहुत ही प्रसन्नता के साथ अनुभव किया है तो वो अनुभव जो है वो हम तक भी पहुंचता है, वो अच्छी बातें जो है वो हम तक भी आई हैं। तीसरा है पराजय। यदि कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें हमारे पूर्वज हार गए हैं, उन्होंने या तो विचारों से या युद्ध में इस तरह की हार हुई है, तो उसके जो परिणाम है वो उन्हें ही नहीं बल्कि हमें भी आज तक भुगतने पड़ेंगे। तो इस तरह से जो पराजय, उनकी पराजय हमें भी प्रभावित कर रही है। उसके बाद जो अगली बात उन्होंने बताई है वो है साहसिक कार्य। हमारे पूर्वज जितने भी साहसिक कार्य उन्होंने किए हैं, उनसे जो भी उन्हें नई चीजें पता चली हैं, जिन नई चीजों की उन्होंने खोज की है, वो सारी चीजों का फायदा हमें भी हो रहा है। मेहनत उन्होंने की है लेकिन उसका फायदा आज हम उठा रहे हैं। और अंतिम है दुख यंत्रणा। तो यहाँ पर अगर हमारे पूर्वजों ने किसी परिस्थिति को देखते हुए दुख और यंत्रणा का समय बिताया है, उस समय वो काफी दुखी हुए हैं और यंत्रणा का जीवन उन्होंने बिताया है, तो वो सारी चीजें हम तक भी आ रही हैं। उस चीज को लेकर आज भी हम दुखी हैं। इसके बाद उन्होंने कहा है भारतीयों की खास बात। अब यहाँ पे भारतीय जो लोग हैं उनकी कुछ खास बातें हैं जिसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। जैसे पहला है विचारों में समानता। ज्यादातर भारतीय चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किसी भी दिशा में रहें, लेकिन उनकी विचारों में एक तरह की समानता देखी जाती है, उनके सोचने का तरीका एक लगता है। और दूसरी जो बात है जो भारतीयों में काफी खास है वो है विरासत की संभाल। विरासत जो भी हमें पूर्वजों के द्वारा जो हमें चीज मिली है उसे हम संभाल कर रखते हैं। हमारी ऐसी प्रवृत्ति है कि हमें जो अपने पूर्वजों से निशानी के तौर पर हमें मिली है चीज, उसे हम बहुत ही संभाल कर रखते हैं। तो यहाँ पर आगे बताते हुए ये कह रहे हैं कि आजादी पाने तक भारतवर्ष के अतीत और वर्तमान पर लिखने का निश्चय किया। भारतीयों के बारे में इन सारी बातों को सोचा, समझा और उसके बाद उन्होंने अंत में यह निश्चय किया कि आजादी पाने तक, जब तक आजादी हमें नहीं मिल जाती तब तक वो भारतवर्ष के अतीत, पास्ट और वर्तमान, प्रेजेंट के बारे में लिखते रहेंगे। तो बच्चों इसी के साथ भारत की खोज पुस्तक का पहला जो चैप्टर है अहमदनगर का किला ये खत्म होता है। आशा है आप लोगों को इस फ्लो चार्ट के माध्यम से यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका जो दूसरा पाठ है तलाश, उसके सारांश के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।